पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद संबल द्वारा कांग्रेस वरिष्ठ नेता सेम पित्रोदा का चंदोसी फवारा चौक पर पुतला फूंका गया। सेम पित्रोदा के बयान की कड़ी निंदा करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विशाल चौहान ने कहा कि यह कांग्रेस का चरित्र है जो उनके नेताओं के मुंह में अक्सर सुनने को मिलता है। पित्रोदा द्वारा कहा गया कि 1984 में कांग्रेस सरकार में सिख विरोधी दंगों में हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ तो हुआ, इसका सीधा अर्थ है कि कांग्रेस को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। इससे इनकी सिख विरोधी व देश विरोधी मानसिकता स्पष्ट दिखाई देती है। इससे पहले 1997 के समय विभाजन में लाखों हिंदुओं का संहार कमीशन कश्मीर और कश्मीरी पंडितों का संहार, 1984 में सिखों का संहार, अगर हम कांग्रेस का पूरा चरित्र देखें तो इसका पूरा इतिहास रक्त रंजित है। और आज पूरी कांग्रेस पार्टी सेना से सबूत मांगती है, देशद्रोह कानून समाप्त करने की बात करती है, आतंकवादियों के साथ खड़ी दिखाई देती है। सभी ने सेम पित्रोदा के इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए इससे सिखों का ही नहीं पूरे देशवासियों का अपमान बताया और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। ये सेम पित्रोदा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका पुतला फूंका गया था। उन्होंने अपने बयान से कि 1984 में सिखों का जो कत्लेआम हुआ तो हुआ कहकर इतनी हल्की बात कही है, इससे कांग्रेसी मानसिकता का उनका पता चलता है कि सिखों दंगों में जो हजारों सिख मारे गए उनसे उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है, उन्होंने उसे जायज ठहराया। तो हम सब लोगों ने इस बात का विरोध किया है, चूंकि ये कांग्रेस की पुरानी मानसिकता रही। 1947 में लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम कराया, 84 में सिखों का कत्लेआम कराया, और न जाने इमरजेंसी लगाकर पत्रकारों का उस समय चौथे स्तंभ का गला घोटा गया। और अब जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो भारतीय सेना से सबूत मांगते हैं, कहते हैं गलत कार्रवाई हुई, कहते हैं देशद्रोह कानून खत्म करेंगे। अरे भाई, ये कौन सी मानसिकता है? आप भारतवासियों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? कांग्रेस की ये मानसिकता पहले से ही चली आई है, विभाजनकारी नीति, देशद्रोह की नीति है इनकी, जो भारतवासी अब समझ चुके हैं। और 2019 के चुनाव में पूरे भारत की जनता इनको जवाब देगी, और जो 44 सीटें पीछे जीती थी अब वो डबल जीरो के रूप में रह जाएंगी, इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी इसी नीति पर चलता है, उसके घोषणा पत्र से ही लग गया था कि ये भारत के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए काम कर